निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी के विजन पांडेय ने बताया कि गोरखपुर जनपद में प्रथम चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, जिसका नामांकन 3 व 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जाँच 5 और 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि व समय 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, चुनाव चिन्ह का आवंटन 7 अप्रैल को अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 तक तथा मतगणना 2 मई को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा, हाँ देखिए, आज अधिसूचना जारी होगी और गोरखपुर तो प्रथम चरण में है और हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 15 अप्रैल को चुनाव होगी। उसके पहले नामांकन 3 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे होते हुए 15 तारीख के चुनाव होगा, फिर मई 2 का उसका काउंटिंग है। और ये सबसे बड़ा एक तरफ पर्व माना जाता है लोकतंत्र में, और इस पर तकरीबन 3 लाख वोटर है गोरखपुर में वोट देंगे। 4,000 के ऊपर बूथ है और हर बूथ में हम लोग 800 लोग का वोट देने के लिए प्रोविजन कर रखा है। शांतिपूर्वक रहेगा, उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में चप्पे चप्पे पे फोर्स रहेगी और हमारा मजिस्ट्रेट, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट सब ब्रह्मन पे है और किसी तरह का हम लोग असुविधा और अशांति होने नहीं देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये सभी का जिम्मेदारी होता है, आकर के ज़रूर आपका वोट का ताकत को इस्तेमाल करें, आकर के ज़रूर वोट दीजिएगा। जी हिंद जी। सर कोई टाइम भी निर्धारित है इसके लिए? टाइम फिलहाल सुबह 8 बजे से लेकर हम लोग को 5 बजे चलता है, ये नॉर्मल सी। अभी हम लोग का टाइम जारी होगा वहाँ शासन से, ताकि मतलब चुनाव आयोग से, ताकि हर बार मौसम देखते हुए टाइम आगे पीछे चेंज करते हैं। वैसे ही हमारा निर्देश आ जाएगा, जो वहाँ से निर्देश आ जाएगा हम निर्देश यहाँ से जारी करेंगे, आपको भी बता देंगे। फिलहाल टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और पंक्ति में जो कितने लोग खड़ा हो गए सबको वोट देने का अधिकार रहेगा। मान लीजिए 5 बजे आकर के 100 लोग खड़ा हो गए, वो सभी का वोट पड़वाने के बाद ही फिर खत्म करेंगे चुनाव।